नमस्कार मित्रों, कृपाचार्य को इन कौरवों और पांडवों की शिक्षा का भार दिया जाता है। ऐसे में जनमेजय वैशंपायन जी से पूछते हैं कि महाराज, इन कृपाचार्य का परिचय तो बताइए। तब महर्षि वैशंपायन कहते हैं, महर्षिर गौतमस्यासीन सरद्वान नाम गौतम। महर्षि गौतम के एक शरद्वान नाम के पुत्र थे। इनकी विशेषता ये थी कि जहाँ अन्य ब्राह्मण कुमारों का या ऋषि कुमारों का वेदाध्ययन वगैरह में मन लगता था, वहीं इनको वेदाध्ययन नहीं, इन्हें धनुर्वेद का अध्ययन अच्छा लगता था। इन्होंने धनुर्वेद को विशिष्ट बनाया और उसी क्षेत्र में इन्होंने तपस्या की। धनुर्वेद परत्वाच्च तपसा विपुलेन च भृशं संतापयामासे देवराजं स गौतमः। एक तो धनुर्वेद का विशिष्ट अध्ययन, भाई धनुर्वेद के अध्ययन में खाली पुस्तक नहीं पढ़नी होती है, वहां अभ्यास करना होता है, धनुष चलाने का अभ्यास करना होता है। एक तरफ वो और दूसरी तरफ कठिन तपस्या, क्योंकि आपको कुछ भी करना हो मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसके लिए योग साधन, ध्यान धारणा, ये सब चीजें करनी चाहिए। कोई भी काम आप करें, प्रातःकाल उठ के थोड़े समय के लिए प्राणायाम और योग अवश्य करना चाहिए। इससे आपका मन विचलित होना बंद हो जाएगा, इतना चंचल भी नहीं रहेगा, और आप जो काम कर रहे होंगे उस काम में आपकी अभिरुचि बढ़ जाएगी, आपके मन की एकाग्रता उस काम को सफल बनाने में आपका साथ देगी। इस तरह से तपस्या करते हुए इन शरद्वान को देख करके इंद्र को डर लगा और उसने जानपदी नाम की एक देवकन्या को, यहां अप्सरा का उल्लेख नहीं, यहां देवकन्या का उल्लेख है, देवकन्या को उन मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। वो कन्या धनुष्बाण की शरद्वान, आज की भाषा में कहें तो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अभ्यास में रत थे और वहां पहुंच जाती है। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, ताम एक वसनाम दृष्ट्वा गौतमोऽप्सर संवने लोके प्रतिम संस्थानाम प्रोत्फुल्ल नयनो भवत। जब ये शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए ही आई है तो वस्त्र भी उसने ऐसे पहने हैं। ये देवकन्या, ये अप्सरा जो है, एक वस्त्र पहन के आई हुई है और एक वसना होने के कारण उसके अंग प्रत्यंग की शोभा शरद्वान के सामने प्रकट हो रही है और उसको देख करके शरद्वान की आंखें जो हैं वो एकदम से चौड़ी हो गई। आंखें खुली की खुली रह गईं। धनुष्च ही सरास्तस्य कराभ्याम अपतन भुवि वे पथुश्चापिताम दृष्ट्वा शरीरे समजायत। हाथ में से धनुष छूट गया, हाथ कांपने लग गए हैं, धनुष छूट गया, पूरा शरीर कांप रहा है। उसको देख करके शरद्वान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी चूंकि परम ज्ञानी हैं, उन्हें मालूम है, उन्होंने पहले से इस तरीके की कथाएं सुनी होंगी कि भाई ऐसा लोगों के साथ हो जाता है, लोगों की तपस्या भंग हो जाती है, इसलिए उन्होंने अपने मन को काबू में किया और जो विकार उनके मन में हुआ था
उस विकार के कारण उनका वीर स्खलन तो हो गया। देखिए, उन्होंने अप्सरा के साथ कोई संबंध नहीं बांधे हैं, खाली उसको देख करके जो उनके मन में आवेग उत्पन्न हुआ है। वर्णन है, यत् तस्य सहसा राजन विकारः समदृश्यत तेन सुस्रावरेतोस्य सच तन्नावबुध्यत। वो उनका वीर स्खलन हो जाता है और इसकी वजह से वो धनुष बाण जो मृग चर्म मृगछाला जो वो जो कुछ भी उनकी साधन सामग्री थी उस सब को वहीं छोड़ के शरद्वान ऋषि अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस आश्रम में इस कन्या के रहते हुए मैं सुरक्षित नहीं हूं। और शरद्वान तो वहां से चले गए, लेकिन उनका जो वीर स्खलन हुआ वो दो भाग में बट गया। और चूंकि ये शरद्वान ऋषि जो है वो सरकंडों के साथ जन्मे थे, इसलिए वहीं सरकंडों के ऊपर उनका ये वीर पड़ा है जो दो भाग में बट गया और उससे एक पुत्र और एक पुत्री हुई। महाराज शांतनु उसी दिशा से जा रहे थे, उन्होंने यहां दो छोटे छोटे बच्चों को जब देखा तो उन्होंने जान लिया कि ये कोई ऋषि के कुमार हैं, इसलिए उन दोनों को अपने साथ में वो हस्तिनापुर ले आए। यहीं इन दोनों बालकों का लालन पालन हुआ है। शांतनु ने अपने पुत्रों की तरह ही इनको भी सारे संस्कार दिए हैं। और चूंकि शांतनु ने इनके ऊपर कृपा की थी, इसलिए इन दोनों के नाम उसी आधार पे कृप और कृपी, जो पुत्र है उसका नाम कृप हुआ और जो पुत्री है उसका नाम कृपी हुआ। तो चूंकि ये बाद में आचार्य बने तो ये कृपाचार्य कहे जाने लगे। इस प्रकार से इन दोनों का जन्म हुआ। और यही कृपाचार्य चूंकि शरद्वान के पुत्र हैं, वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, धनुर्वेद का उन्होंने आविष्कार किया है, तो उनके पुत्र होने के कारण बाप पे पूत नस्ल पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा, यहाँ पे इनके अंदर भी वो सारे गुण हैं। और उन गुणों को देख करके भीष्म ने अपने इन कुमारों की शिक्षा दीक्षा की जवाबदारी कृपाचार्य को सौंप दी है। और कृपाचार्य अत्यंत ही श्रेष्ठ आचार्य हैं, इसलिए वृष्णिवंश और दूसरे देशों से भी अनेक लोग जो हैं उन कृपाचार्य के बाद पास धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लग गए हैं। देखते हैं ये बालक कैसे पढ़ते हैं, कैसे आगे क्या होता है, कैसे बड़े होते हैं। कथा सुनते रहिए, श्रेष्ठ महाभारत की कथाएं चल रही हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है, यूट्यूब का चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप हमारे संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति नाम के फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहाँ भी आपको वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।